36 द्वीपों के समूह वाले लक्षद्वीप के कायाकल्प की तैयारी शुरू हो चुकी है। इसकी शुरुआत की है टाटा ग्रुप ने। टाटा ग्रुप की इंडियन होटल कंपनी ने लक्षद्वीप में 2 ताज ब्रांडेड रिजॉर्ट्स खोलने का ऐलान किया है। मालदीव से चल रहे बवाल के बीच लक्षद्वीप चर्चा में आया। ऐसे में लोगों का कहना है कि अगर लक्षद्वीप को टूरिस्ट स्पॉट बनाना है तो यहाँ पर लोगों के लिए कई सुविधाएं होना जरूरी है। ऐसे में टाटा ने इसकी शुरुआत कर दी है। जो ताज रिजॉर्ट्स टाटा बनाने जा रहा, आज हम उसकी बात करेंगे। इन रिजॉर्ट्स का नाम होगा ताज सुहेली और ताज कदमत। ताज सुहेली की बात करें तो समुद्र तट पर बनने वाले रिजॉर्ट में 110 कमरे होंगे, जिनमें 60 विला और 50 वाटर विला शामिल होंगी। ताज कदमत की बात करें तो इसमें 75 बीच साइड विला और 35 वाटर विला शामिल होंगे। इस 5 सितारा प्रॉपर्टी में ऐसी हर एक सुविधा दी जाएगी जो मालदीव के रिजॉर्ट से बढ़कर होंगी। स्कूबा डाइविंग से लेकर विंड सर्फिंग, वाटर स्कीइंग, राफ्टिंग और तमाम ऐसे स्पोर्ट्स गेम होंगे जिनका आनंद यहां पर्यटक उठा सकेंगे। समुद्र के किनारे जैसा नजारा यहां देखने को मिलेगा वो दुनिया में कहीं भी नहीं है। हालांकि जो 2 रिजॉर्ट टाटा बनाने जा रहा, ताज कदमत और ताज सुहेली, उनके ये नाम कैसे पड़े इसकी भी एक कहानी है। 36 द्वीपों के समूह वाले लक्षद्वीप में बंगाराम, अगत्ती, कदमत, मिनीकॉय, कवरती और सुहेली जैसे कई प्रसिद्ध टूरिस्ट स्पॉट्स हैं। कदमत भारत के सबसे खूबसूरत डाइव सेंटर में से एक माना जाता है। ऐसे में इन्हीं स्पॉट्स के नाम पर ये रिजॉर्ट बनाने का फैसला लिया गया, क्योंकि मालदीव से बवाल के बाद लक्षद्वीप टूरिज्म स्पॉट चार्ट में लाइमलाइट में आ चुका है और इसे लेकर कई दिग्गज कंपनियों ने अपना प्लान भी शेयर करना शुरू कर दिया है। इस भारतीय टूरिस्ट डेस्टिनेशन के कायाकल्प के लिए कई बड़ी कंपनियों ने हाथ आगे बढ़ाया है। जो ताज के 2 रिजॉर्ट बनने का प्लान है, ये प्लान टाटा ग्रुप की सहायक कंपनी इंडियन होटल्स कंपनी ने शेयर की। बीते साल जनवरी 2023 में टाटा ग्रुप की सहायक कंपनी इंडियन होटल्स कंपनी यानी कि IHCL ने लक्षद्वीप में 2 ताज ब्रांडेड रिजॉर्ट्स की घोषणा की थी और प्लान 2026 बनाया गया था। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये प्लान 2026 क्या है, तो बता दें टाटा ग्रुप के 2 लग्जरी रिजॉर्ट साल 2026 में लक्षद्वीप में फेमस सुहेली और कदमत द्वीपों पर खुलने वाले हैं। IHCL ने लक्षद्वीप में रिजॉर्ट्स के AMU पर साइन करने के बाद इसकी घोषणा की थी। हालांकि होटल्स के अलावा लक्षद्वीप तक पहुंचने के लिए कनेक्टिविटी पर भी काम होगा। मौजूदा वक्त में लक्षद्वीप पहुंचने के लिए आपको या तो पानी वाले जहाज या फिर फ्लाइट से सफर करना होता है। सबसे पहले कोची पहुंचना होता है। कोची से लक्षद्वीप तक पानी वाले जहाज का रोमांचक सफर 14 से 20 घंटे का होता है। वहीं कोची से अगट्टी हवाई अड्डे के लिए सीधे फ्लाइट ले सकते हैं, जो लक्षद्वीप का एकमात्र हवाई अड्डा है। खैर, टाटा जो करने जा रहा उस पर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।